फ्रेंड्स, वेलकम टू केमशास्त्रा। तो जैसे आपको पता है, मैंने आपको बोला है कि मैं आपके साथ रहने वाला हूँ। केमिकल काइनेटिक्स हम लोगों ने ख़त्म कर दिया चैप्टर, और हमारे एक सब्सक्राइबर मोहित है, उन्होंने बोला था कि सर आप सॉल्यूशंस नेक्स्ट चैप्टर चालू करो। और जैसे मैंने आपको बोला है, योर विश इज़ माई कमांड, आप जो बोलोगे वैसे चैप्टर हम लोग उस सिक्वेंस में लेंगे। अगर आपने बीच में जेई के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए बोला तो वी विल डू दैट एज वेल, बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव दिस प्लेटफॉर्म एज अ इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म, जहाँ पे स्टूडेंट्स अपने डाउट डालेंगे और वहाँ पे मैं अपने को वो क्वेश्चन के आंसर दे दिया करूँगा। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, आपको जैसे मैंने मोहित को बोला था, वंस वी आर फिनिश विद द केमिकल काइनेटिक्स आई विल स्टार्ट विद द सोल्यूशंस। तो आज से हम लोग सोल्यूशंस चैप्टर चालू करें। दिस इज द फर्स्ट लेक्चर्स ऑफ सोल्यूशंस। पुराने सिलेबस में इसका नाम था द सॉल्यूशंस एंड कॉलिकेटिव प्रॉपर्टीज़। नए सिलेबस में इसका मार्क्स स्टेट बोर्ड के नाम है ओनली सॉल्यूशंस। तो नाम बदलने से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट मोर और लेस इज गोना बी रिमेन द सेम। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे जैसे वक्त बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे मैं आपको बताया करूंगा व्हाट इज देयर न्यू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन अ न्यू सिलेबस, जो पहले नहीं था अभी है, या तो फिर जो पहले था लेकिन अभी नहीं है। सो वी जस्ट वॉन्टेड टू मेक श्योर कि अलॉन्ग विथ प्रिपेयरिंग फॉर योर 12th स्टैंडर्ड, वी ऑल्सो गेट टू नो द कंसेप्ट विच आर रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, विच आर गोइंग टू हेल्प यू इन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो चलो आज चालू करते हैं हम लोग सॉल्यूशंस का फर्स्ट लेक्चर। आज हम लोग सिंपल चीज़ पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस क्या होता है। तो सॉल्यूशंस आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, और अलॉन्ग विद दैट व्हाट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है जो हमें पता होने चाहिए। ये बचपन में पढ़ा हुआ थोड़ा सा साइंस है, आपको पता ही ये लगेगा कि यार क्या ये इजी चीज़ है, बट इंट्रोडक्शन में है तो थोड़ा पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर एक्चुअल कंसेप्ट हम लोग चालू करेंगे। तो इस चैप्टर से में आगे बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने आपको बोला है, वी हैव स्टार्टेड विद आवर ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम लोग आपको 11th 12th IIT JEE NEET एंड CET प्रिपरेशन के लिए हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। अगर इस कोर्सेज के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 9967025450, और यू कैन पुट अ व्हाट्सएप मैसेज और अ टेक्स्ट मैसेज ऑन 9967025450। तो ये नंबर पर आप डिटेल्स के लिए मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, प्रेफरेबली यू कैन कॉल, सो दैट यू विल हैव अ चांस टू टॉक विद वन ऑफ आवर काउंसलर हु विल गाइड यू थ्रू व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू ऑफर यू। जस्ट टू गिव यू ग्लिम्स ऑफ इट कि एक्जैक्टली हम लोग इसमें क्या क्या ऑफर करने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी द ऑनलाइन लेक्चर, तो आपको कहीं पर जाना नहीं है, यू हैव टू सिट एट योर होम एंड यू विल बी गिवन अ मेंटरशिप फ्रॉम अवर टीचर्स। तो आप लोग वहाँ पे घर पे बैठे बैठे आपको ऑनलाइन पढ़ना है। दिस आर गोइंग टू बी द लाइव लेक्चर्स। ऐसा कभी हो सकता है कि बिकॉज ऑफ सम रीजन्स यू कैन मिस द लाइव लेक्चर्स, तो जो भी लाइव लेक्चर रहेगा वो रिकॉर्डेड रहेगा। वो लाइव लेक्चर जैसे ही खत्म हो गया होता है, अगर आप लेक्चर मिस करते हो, तो अगर आपने रिक्वेस्ट किया कि मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली वेन नेक्स्ट लाइव लेक्चर इज गोइंग टू बी देयर ऑफ द सेम फैकल्टी, यू कैन आस्क योर डाउट वॉट एवर इज देयर फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन, जो आप लोगों ने मिस किया था बट जिसका आपने रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख लिया। सो दैट इज गोइंग टू बी द बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। बैच साइज इज गोइंग टू बी ऑफ द ओनली 10 स्टूडेंट, तो जाके आपको ज्यादा डिस्टर्बेंस ना रहे और हर एक के ऊपर इंडिविजुअली टीचर ध्यान दे सके। लर्न फ्रॉम द बेस्ट फैकल्टी, सो वी हैव द फैकल्टीज हु आर प्रो इन देयर ओन एरिया। सो फिजिकल में कोई 30 मार्क खाने है, कोई ऑर्गेनिक में है, कोई इनऑर्गेनिक में, कोई एनालिटिकल में, तो हर एक एरिया के लिए हमारे पास स्पेसिफिक लोग है कि जो एक एक एरिया में उनका स्पेशलाइजेशन है, दे विल बी द राइट पर्सन टू गाइड यू फॉर दिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट फॉर द स्पेसिफिक टॉपिक। फिजिबिलिटी टू जॉइन फॉर अ स्पेसिफिक टॉपिक, सो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल है दैट यू हैव टू जॉइन ओनली फॉर द केमिस्ट्री, होल केमिस्ट्री एज अ टॉपिक, होल केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट। इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट जॉइन अस फॉर स्पेसिफिक टॉपिक और स्पेसिफिक चैप्टर, यू कैन डू दैट एज वेल। एंड ऑब्वियसली जिसका फीस इज कम्पेरेटिव लेसर एज कम्पेयर टू द होल सब्जेक्ट का जो कोर्स जो स्ट्रक्चर रहेगा, कोर्स फी स्ट्रक्चर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज अ डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स। नॉट ओनली दैट, इफ यू वॉन्ट टू जॉइन अस फॉर द डाउट सॉल्विंग, यू कैन ऑल्सो जॉइन अस फॉर द डाउट सॉल्विंग लेक्चर्स। नाउ एंड द लास्ट पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स अफोर्डेबल कोर्स फी। सो इट इज नॉट एट ऑल अ वेरी कॉस्टली कोर्स, इट्स अ वेरी आई कैन से इट्स अ वेरी पॉकेट फ्रेंडली, ठीक है, आपके पैसा बहुत कम जाने वाले बिकॉज इट्स ऑनलाइन कोर्स। तो इफ़ यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट, यू कैन कॉल ऑन द नंबर विच इज गिवन ऑन द स्क्रीन, और फिर आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा इफ़ यू वॉन्ट टू बी विद दस फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ अ केमिस्ट्री सब्जेक्ट। अगर कुछ बंदे ऐसे हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनको लगता है यार केमिस्ट्री मेरा बेसिक ही बहुत वीक है, तो उसके लिए क्या, सो वी ऑल्सो हैव अ क्रैश कोर्स ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहाँ पे आपको 10 दिन में वी गिव यू गारंटी दैट विद इन अ 10 डेज विल मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एंड आउट। आई एम नॉट सेइंग आई एम गोइंग टू कवर द 11th एंड 12th का सिलेबस, आई सेड आई विल मेक श्योर दैट यू विल अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन एंड आउट। मतलब आपको इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ जाएगा कि नेक्स्ट टाइम लेक्चर देखने के नेक्स्ट टाइम कोई रिएक्शन देखने के बाद आप उसके ऊपर डायरेक्टली सोचना चालू
कर सकते हो, यू विल हैव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, यू विल हैव दैट काइंड ऑफ बेसिक नॉलेज ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अगर वो आपको ज्वाइन करना है तो भी आप ये नंबर पर फोन कर सकते हो एंड यू विल गेट अ डिटेल्स अबाउट दैट स्पेसिफिक कोर्स फ्रॉम अवर काउंसिलर. ओके, सो यू कैन डू दैट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है. तो 10 चीज़ें तो बोल दी यार, ये है वो है, 10 चीज़ें हो सकती है, बट सॉल्यूशन होता है क्या. तो मुझे अगर आप पूछोगे सॉल्यूशन का डेफिनेशन जो रटना है आप रट लो, इट इज़ अ ये मिक्सचर, इट इज़ अ वो मिक्सचर, बट अ वेरी सिंपल टर्म्स अगर मुझे एक किसी ऐसे इंसान को समझाना है कि जो साइंस नहीं समझता, या तो फिर किसी ऐसे इंसान को समझाना है कि जहाँ पे जो साइंस समझता है लेकिन नॉट टू द एक्सटेंट कि जहाँ पे आपको होना चाहिए, तो उनके लिए मैं एक सिंपल डेफिनेशन बोलेगा, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ समथिंग कॉल्ड एज अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सॉल्यूशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें एक सॉल्यूट नाम की चीज़ और सॉल्वेंट नाम का चीज़ दोनों एक साथ आते हैं और आपको सॉल्यूशन बना के देते हैं. अभी सॉल्यूट क्या होता है, इफ़ यू टॉक अबाउट अ सॉल्यूट, इन अ सॉल्यूशन इट इज़ समथिंग विच इज़ अ माइनर इन द सॉल्यूशन एंड दिस इज समथिंग विच इज़ अ मेजर इन द सॉल्यूशन. ये माइनर मेजर का क्या फंडा है, मतलब अगर आपके पास एक सॉल्यूशन है तो उसमें मेजर क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट विल बी प्रेजेंट and a small quantity or a minor quantity of solute will be present. So solution is having two components. It is made up of the two stuff. One is it is made up of solute. Another one it is made up of a solvent. दोनों को आप जब mix करते हो that time what you get is a solution. Now इसमें भी there are different stuff. ठीक है, एक चीज आता है कि मिक्सचर क्या होता है. तो जब दो चीजें लेके एक दूसरे के साथ मिक्स करते हो तो उसको भी मिक्सचर बोलते हैं. इन व्हाट वे मिक्सचर इज डिफरेंट दैन द सॉल्यूशन, तो वो हम लोग वो भी पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट. बट अगर मुझे एक सिंपल डेफिनेशन बताना है सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन दो ऐसे चीजों से बना हुआ है. कौन से चीजों से, एक सॉल्यूट नाम की चीज होती है, एक सॉल्वेंट नाम की चीज होती है, जिसमें से सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन अ माइनर क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन अ मेजर क्वांटिटी. धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे अपना बैकअप बिल्डअप करना है हमें, कुछ भी हम लोगों को घाई नहीं है, दौड़ना नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट. अगर कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में डाल दो, हर एक कंसेप्ट घुस घुस के वापस मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज ओके, सो जस्ट बिट फॉर अ सेकेंड. तो आप यहाँ पे जो देख रहे हो दिस पर्टिकुलर रीजन यू कैन फोकस ऑन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ओके, सो दिस पर्टिकुलर थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट इज ये जो नीचे वाला पार्ट है जो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है दैट इज योर सोल्यूट, और ये जो रेड वाला पार्ट है विच इज प्रेजेंट इन अ मेजर क्वांटिटी दैट इज अ सॉल्वेंट इन योर सोल्यूशन. तो ये सॉल्वेंट एंड ये सोल्यूट इन दोनों को जब आप मिक्स कर दोगे देन वॉट यू आर गोइंग टू गेट इज द सोल्यूशन. ठीक है, तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स योर सोल्यूशन, सिंपल स्टफ. नाउ एग्जैक्टली सोल्यूशन होता क्या है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिक्सचर्स रहते हैं, राइट. जैसे मैंने आपको बोला सोल्यूशन इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ मिक्सचर. तो इसमें मिक्सचर में जो नॉर्मल मिक्सचर हम लोग बात करते हैं, सपोज आपने शक्कर और नमक लिया और उनको मिक्स किया, दैट इज अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर. तो उसमें और सोल्यूशन में फर्क क्या है वो जानते हैं. तो देर आर थ्री काइंड्स ऑफ मिक्सचर दैट यू कैन कम अक्रॉस. इज अ वन इज कॉल्ड कोरस मिक्सचर, अनदर वन इज कॉल्ड कोलाइडल डिस्पर्शन, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन. तो ट्रू सोल्यूशन इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टॉक अबाउट इन दिस चैप्टर थ्रू आउट द जर्नी ऑफ दिस चैप्टर. तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ ट्रू सोल्यूशन के बारे में बात करने और बात करने वाले और बाकी किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करने वाले. कोलाइडल डिस्पर्शन के बारे में बात करूँ तो अगर 11th स्टैंडर्ड में आपको एक पता है, अगर याद है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते टाइम आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्स पढ़े थे, दैट इज नथिंग बट अ कोलाइडल सोल्यूशन. तो आपने कोलाइडल सोल्यूशन यू ऑलरेडी कंफर्टेबल विद दिस, एंड कोरस मिक्सचर यू कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ स्टफ इन अ डे टू डे लाइफ. दिस वॉट दिस इन वॉट वे दे आर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर. हर एक चीज ये जो है ये एक दूसरे से अलग कैसे है वो आज पहले जानते हैं. सो कोरस मिक्सचर इज द साइजेस ऑफ अ कंस्टेंट कंपोनेंट्स आर रिलेटिवली बिगर. तो दो कंपोनेंट जो है, दो रहने दो, तीन रहने दो, चार रहने दो, दस रहने दो, इट्स अ मिक्सचर. सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी सिंपल थिंग दैट्स अ मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स. तो दो कंपोनेंट जो है उसका साइजेस इतना बिगर रहता है दैट यू कैन इजिली डिफरेंशिएट कि ये पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल, दैट इज अ कोरस मिक्सचर. तो इफ आई टेक अ मिक्सचर कि जहां पे मैंने सॉल्ट और शुगर लिया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि सॉल्ट एंड शुगर आप जैसे हाथ से पिकअप करके अलग अलग निकाल सकते हो, ये शक्कर का एक दाना, ये सॉल्ट का एक दाना, ऐसे यू कांट डू दैट सेग्रीगेशन ऑब्वियसली. बट अगर सीव आप यूज कर सकते हो तो बींग अ सॉल्ट पार्टिकल स्मॉलर दैन द शुगर पार्टिकल्स इट कैन ईजिली कम आउट ऑफ दैट सीव. तो वैसे आप सेपरेशन अचीव कर सकते हो. अगर सपोज गलती से मान लेते हैं कि घर में आपके ग्रॉसरीज आया था और उसमें से गलती से आपने शुगर और सॉल्ट मिक्स कर दिया, देन यू हैव टू सेग्रीगेट इट. सो कोरस मिक्सचर्स आर गोइंग टू बी यूजली द दो स्टफ कि जो बाय फिजिकल सेपरेशन यू कैन सेपरेट देम आउट. ठीक है, तो गलती से आपका सॉल्ट एंड शुगर मिक्स हो गया तो आप उसको सेपरेट कैसे करोगे. सो आई विल टेक अ स्लीव सीव्स. ठीक है, सीव्स लूंगा, और सीव्स मतलब कि अपना जाली रहता है, व्हाट इट इज कॉल्ड, जाली रहता है, कभी देखा है जो यूजुअली अपना
रोटी वगैरह बनाते टाइम जो उसका आटा रहता है उसको ये करने के लिए यूज़ करते हैं। तो घर में देखो जरा, किचन में जाके, अपना किचन है ठीक है, कोई रोकने वाला नहीं है वहाँ पे। लॉकडाउन का टाइम है, वैसे भी कुछ कुकिंग सीख सकते हो अगर आपको सीखना है तो। अगर सीव्स आप देखोगे तो सीव्स में, सीव्स के थ्रू जो है स्मॉलर पार्टिकल्स कैन ईजिली पास थ्रू एंड जो शुगर पार्टिकल्स रहेंगे वो सेपरेट हो जाएंगे। अगर गलती से अगर आपको से अगर ऐसा कुछ कभी होता है तो जानबूझ के नहीं करना है भाई, ठीक है। जानबूझ के करोगे और मम्मी को पता चल गया, 100% गाली। तो इसलिए अगर गलती से कभी होता है यू कैन डू दैट। इवन फॉर दैट मैटर इफ आई टेक इन टू कंसिडरेशन, अगर सपोज मैंने एक ग्लास लिया, वो ग्लास में मैंने भर भर के पानी लिया यहाँ तक, और वहाँ पे जाके उसमें मैंने सैंड ऐड कर दिया, ठीक है। जो सैंड मुझे जुहू बीच पे दिखती है, ठीक है, चरनी रोड पे, अगर आप चरनी रोड जाओगे वहाँ पे जो बीच साइड में मुझे जो सैंड मिलती है, अगर सपोज मैंने वो सैंड लाया और इस ग्लास में डाल दिया और उसको मैंने मिक्स कर दिया, व्हाट विल हैपन आफ्टर सम टाइम, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज ऑफ द सेडिमेंटेशन, द सैंड विल सेटल डाउन। अगर अब मुझे ये सैंड एंड पानी सेपरेट करना है, मैं क्या करेगा, आई विल टेक अ फिल्टर पेपर, आई विल टेक अ क्लॉथ, वो क्लॉथ में से मैं क्या करेगा, पानी डाल देगा। तो जो भी क्लॉथ के ऊपर क्या रहेगा, क्लॉथ के ऊपर रहेगा आपका सैंड पार्टिकल, जो भी पानी रहेगा वो नीचे सेपरेट आउट हो जाएगा। तो कोरस मिक्सचर्स आर यूजुअली दोस की जो बाय फिजिकल मींस, बाय फिजिकल सेपरेशन यू कैन सेपरेट देम आउट, ठीक है, बिकॉज उनका रिलेटिवली पार्टिकल साइज आर बीकर, ठीक है। सो दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन, इट्स अ मिक्सचर। कोलाइडल डिस्पर्शन क्या होता है, इट्स अ डिस्पर्स पार्टिकल्स आर इन द रेंज ऑफ 10^-7 टू द 10^-4 सेंटीमीटर। तो कोलाइडल डिस्पर्शन में आपका जो पार्टिकल साइज है दैट रेंजेस फ्रॉम 10^-7 टू द 10^-4 सेंटीमीटर, ये रेंज में आपका पार्टिकल साइज होता है। अभी कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए, यहाँ पे 10^-7 मतलब 0.00000 या 72 दैट इज गोइंग टू बी 0.000 हाउ मच, नॉट 7 सॉरी, या इट इज गोइंग टू बी 1 एंड दिस इज 0.0001। ओके, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक साइज है। सो ऑब्वियसली दिस इज द माई मिनिमम एंड दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम साइज की इस रेंज में अगर आपका पार्टिकल है देन दे आर गोइंग टू फॉर्म द कोलाइडल डिस्पर्शन। अभी कोलाइडल डिस्पर्शन एक्जैक्टली क्या फंडा होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज योर सोल, ठीक है। सो सोल्स आर द स्टफ्स विच कम्स अंडर द कोलाइडल डिस्पर्शन, डिस्पर्शन जहाँ पे अगर मुझे बोलना है कि कोलाइडल डिस्पर्शन क्या होता है, यानी अगर कोई ये दिस आर द वंस विच फॉलोज अ टिंडाल इफेक्ट। तो टिंडाल इफेक्ट क्या होता है कि सपोज अगर आपने एक सोल लिया, ठीक है, सोल, ठीक है, जेल लाइक थिंग, ठीक है, तो उसमें क्या किया, देयर आर सॉलिड पार्टिकल्स के जो डिस्पर्स है इन द सॉल्वेंट। तो अगर मैंने अगर लाइट यहां से पास किया देन देयर विल बी अ लाइट स्कैटरिंग इनसाइड दिस, ठीक है, बिकॉज पार्टिकल्स आर इन द डिस्पर्स फेज। सो जो आपका पार्टिकल्स है दैट इन द डिस्पर्स फेज, तो यहां पे दो चीजें होते हैं, एक होती है डिस्पर्स फेज होती है, ओके, एंड वन थिंग विच गेट्स डिस्पर्स, ठीक है, एंड द अनदर वन विच जिसमें वो डिस्पर्शन होता है। सो देर इज अ डिस्पर्स डिस्पर्स थिंग, ठीक है, द पार्टिकल्स विच आर अंडर गोइंग टू अंडर गो डिस्पर्शन, एंड देर आर पार्टिकल्स के जिनके अंदर डिस्पर्शन होता है, तो दैट इज अ डिस्पर्शन मीडियम। तो ये दो चीज़ें होती है कि जिससे कोलाइडल डिस्पर्शन बनता है, तो कोलाइडल सिस्टम बनती है ना। लेकिन जहाँ पे आपके पार्टिकल साइज क्या रहेगा, 10^-7 टू 10^-4 सेंटीमीटर के रेंज में रहेगा, ठीक है। सो आई यू कांट से दैट एज अ क्लियर सोल्यूशन, ठीक है। ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, इट्स अ साइज डिजॉल्व पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, लेस दैन 10^-8 सेंटीमीटर, तो इसके नीचे इनका पार्टिकल साइज रहेगा, देन यू विल गेट अ ट्रू सोल्यूशन। तो ट्रू सोल्यूशन अगर मुझे आपको सिंपलेस्ट एग्जाम्पल देना है, सबसे ईजिएस्ट वन इज जब आप घर में लेमनेड वगैरह बनाते हो, ठीक है, लाइम वाटर या तो फिर जो भी हम लोग नींबू पानी बनाते हो, उसमें क्या करते हो, यू ऐड अ शुगर और यू ऐड अ सॉल्ट इन वाटर, और बाद में आप उसको स्टर करके क्या करते हो, पानी में डिजोल्व करते हो। जब ये पानी में डिजोल्व पूरी तरह से हो जाता है, तो यू कांट सी एनी सिंगल पार्टिकल ऑफ अ सॉल्ट और एनी सिंगल पार्टिकल ऑफ अ शुगर। अभी आप बोलोगे नहीं सर, मैंने कल तो मैं ट्राई कर रहा था लाइम, आई वॉज मेकिंग नींबू पानी और उसमें मेरा शुगर पार्टिकल्स मेरे को वैसे के वैसे दिख रहा था। भाई दैट इज अ पॉइंट कि अगर तूने पूरा स्टर करने के बाद भी अगर शुगर पार्टिकल नहीं जा रहा, इसका मतलब तूने शुगर बहुत हद से ज्यादा लिया है, दैट इज अ कॉल्ड सुपर सैचुरेशन पॉइंट। तो सोल्यूबिलिटी जो रहता है, ठीक है, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ सोल्यूबिलिटी दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर, कि जहां पे हर एक सॉल्वेंट जो है उसका एक कैपेसिटी है कि वो कितना हद तक सोल्यूट ले सकता है। तो तू जो अगर बोल रहा है कि मैंने बहुत स्टर किया लेकिन फिर भी सोल्यूट पार्टिकल्स नहीं हटा वहां से, इसका मतलब जो तूने सोल्यूट पार्टिकल्स है सॉल्वेंट के कैपेसिटी से ज्यादा लिया हुआ है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तूने सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट की कैपेसिटी से ज़्यादा लिया हुआ है, एंड दैट्स अ रीज़न कि वो फिर भी इतना स्टर करने के बाद भी वो सिस्टम है वैसे के वैसे दिख रहा है। बट अगर तू जितना कैपेसिटी है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर सपोज मैंने 100 ग्राम पानी लिया हुआ है, तो 100 ग्राम में कुछ एक हद तक ही
मैं शुगर डिजोल्व कर सकूंगा. जस्ट आई एम गिविंग अ रैंडम फिगर, सपोज मैं 20 ग्राम ऑफ शुगर आई कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. अगर 20 ग्राम के ऊपर तो शुगर डालेगा तो दैट इज नॉट गोइंग टू गेट डिजोल्व. डज दैट मीन इट इज नॉट अ सोल्यूशन? इट इज अ सोल्यूशन, बट इट इज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट कंसेप्ट. वॉट इज अ सुपर सैचुरेटेड, देन वॉट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, वो अलग चीज है, वो जरा साइड में रखते हैं, वो बाद में देखते हैं. सो यहाँ पे आपका साइज ऑफ पार्टिकल इज लेस देन 10 to the power of -8 सेंटीमीटर. योर बेस्ट एग्जाम्पल इज अ एग्जाम्पल ऑफ अ शुगर एंड वाटर मिक्सचर. सो ट्रू सोल्यूशन ये चीज होता है. जो जो अपना केमिस्ट्री है, जो अपना चैप्टर है, दैट इज गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड द कंसेप्ट ऑफ अ सॉल्यूशन. तो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग जहां पे पार्टिकल साइज जो आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, इट इज गोइंग टू बी लेस देन 10 to the power of -8 सेंटीमीटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू आर गोइंग टू गेट अ ट्रू सॉल्यूशन. तो ट्रू सॉल्यूशन में आपको ये चीजें समझ में आएंगी, धीरे धीरे हर एक चीज़ में घुसेंगे, लेकिन पहले सॉल्यूशन क्या है, पहले वो आप समझे क्या, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप समझे और आप अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए तो आगे बढ़ते हैं. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. तो अभी देखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो मुझे सिंपल टर्म्स में अभी भी बोलना है सॉल्यूशन क्या है. इट्स अ मिक्सचर ओनली, बट इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स विच इज, वन इज अ सॉल्यूट, वन इज अ सॉल्वेंट. और वो इतने मिक्स, उनका पार्टिकल साइज इज लेस देन 10 to the power of -8 सेंटीमीटर. एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ट्रू सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, अगर मुझे ईजिली बोलना है तो होमोजीनियस मतलब अगर आपने बोला कि पानी में मैंने सैंड डाला, तो आपने अगर उसको मिक्स किया, बाद में क्या होता है, सैंड आफ्टर सम टाइम इट सेटल्स डाउन, तो दैट इज ऑल्सो मिक्सचर, बट इट इज नॉट अ होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, इट्स अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. आपको सैंड पार्टिकल्स अलग दिखता है, आपको पानी अलग दिखता है, बट अगर मैंने शुगर लिया या तो फिर मैंने सॉल्ट लिया और पानी में डाला और अगर उसको स्टर किया, तो सॉल्ट पूरा गायब हो जाता है. आपको सॉल्ट अलग दिखता नहीं है वो उस ग्लास में. इसका मतलब देर इज अ नो सेपरेशन बिटवीन द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, एंड दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर. तो दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ योर सोल्यूशन. अभी सोल्यूशन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, एंड दैट लीड्स टू गिव्स यू 9 different types, ठीक है, ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मेकिंग अ सोल्यूशन. तो ये जो चीज है एक्चुअली आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, योर 10th स्टैंडर्ड मस्ट बी हैविंग दिस. 9th या 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफ. तो दो चीजें हैं जैसे मैंने आपको बोला, एक तो चीज है आपका सोल्यूट कौन से स्टेट में है एंड आपका सॉल्वेंट कौन से स्टेट में है, वो मैटर करेगा कि कौन से कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे. तो सोल्यूट ऑब्वियसली वी आर हैविंग 3 phases, ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड है एंड द गैसेज है. तो हर एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे. सपोज दिस इज अ एग्जाम्पल कि जहां पे हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि आपका जो सोल्यूट है दैट इज गॉन बी इन द सॉल्यूट स्टेट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स वैसे ही डिस्कस करेंगे जहां पे सोल्यूट जो है, सोल्यूट जो है दैट इज गोइंग टू गॉन बी इन द सॉल्यूट स्टेट. नाउ दैट इज गोइंग टू बी इन द सॉल्यूट स्टेट, ठीक है. तो ये दूसरा फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, दैट इज सॉलिड इन सॉलिड. मतलब आपका सोल्यूट भी सॉलिड है, ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट ओवर हियर, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ वरना सोल्यूट सॉलिड में कन्फ्यूज हो जाओगे. आपका सोल्यूट जो है दैट इज इन द सॉलिड स्टेट एज वेल एज योर सॉल्वेंट इज ऑल्सो इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है आपका, तो एग्जाम्पल है फर्स्ट इज अ ब्रास विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर कॉपर एंड जिंक. तो यहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन है कॉपर इज मिक्स विद अ जिंक. तो कॉपर और जिंक, कॉपर भी यहाँ पे जो आपका है दैट इज इन द सॉलिड स्टेट, जिंक इज ऑल्सो इन द सॉलिड स्टेट एंड दैट फॉर्म्स यू एन अलॉय. सो अलॉय इज अ एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन जहाँ पे आपका सॉल्यूट इज ऑल्सो इन द सॉलिड स्टेट एंड आपका सॉल्वेंट इज ऑल्सो इन द सॉलिड स्टेट. नाउ ब्रॉन्ज इज अनदर एग्जाम्पल जहाँ पे आपका कॉम्बिनेशन इज विद कॉपर एंड इट्स नॉट अ जिंक, इट्स अ टीन, ठीक है. तो कॉपर एंड टीन, तो दैट्स अलॉय. अलॉयज आर द एग्जाम्पल, अलॉयज आर द मिक्सचर्स की जहाँ पे आपका सॉलिड एंड आपका सॉरी आपका सोल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. सो दैट्स अ फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल है यहाँ पे जहाँ पे आपका सॉल्यूट इज ऑल्सो अगेन गोइंग टू बी इन द सॉलिड स्टेट, बट आपका जो सॉल्वेंट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी इन द लिक्विड स्टेट. तो ये आपका लिक्विड स्टेट में जो है दैट इज गोइंग टू बी योर सॉल्वेंट. तो सिंपल चीज सी वाटर. सी वाटर में देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स. टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है तो सोडियम क्लोराइड इज ऑल्सो डिजॉल्व इन अ वाटर, सी वाटर. सो वहाँ पे NaCl इज इन द सॉलिड स्टेट जो डिजॉल्व है पानी में विच इज इन द लिक्विड स्टेट, सो दैट कैन बी एग्जाम्पल ऑफ अ सी वाटर. योर बेंजोइक एसिड विच इज अ कलरलेस सॉलिड, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इट इज अ कलरलेस सॉलिड, ठीक है. सो ये कलरलेस जो सॉलिड है, दिस कलरलेस सॉलिड डिजॉल्व इन बेंजीन, ठीक है. सो दिस आर टू आर द ऑर्गेनिक स्टफ, सो दैट्स व्हाई बेंजोइक एसिड विल डिजॉल्व इन बेंजीन. तो दिस कलरलेस सॉलिड इज डिजॉल्व इन अ बेंजीन विच इज इन द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. तो ये इसका सोल्यूट है, ये इसका सॉल्वेंट है. अनदर एग्जाम्पल दैट्स अ थर्ड काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन जहाँ पे आपका अगेन सोल्यूट इज इन द सॉलिड स्टेट बट
जो आपका सॉल्वेंट है दैट इज गोइंग टू बी इन द गैसियस स्टेट. तो ये सॉल्वेंट यहाँ पे लिक्विड स्टेट में, ये सॉल्वेंट यहाँ पे गैसियस स्टेट में, यहाँ पे सॉल्वेंट इज इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. तो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट है इज इन द गैसियस स्टेट. बेस्ट एग्जाम्पल इज आयोडीन इन एयर. सो देर आर द थिंग्स की जो आपका आयोडीन है, अगर आयोडीन एक्चुअली इज इन द सॉलिड स्टेट, तो आपका सोल्यूट जो है यहाँ पे वो आयोडीन है विच इज इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, और एयर जो है आपका दैट इज़ अ सॉल्वेंट विच इज़ अ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. तो अगर आयोडीन पाउडर अगर आप जो सॉलिड फॉर्म में है ठीक है उसको अगर एयर में ये कर दोगे मिक्स कर दोगे दैट इज गोइंग टू बी द एग्जाम्पल ऑफ आयोडीन इन एयर. आई रियल लाइफ या तो नेचुरल एग्जाम्पल इसका क्या है, तो एक्चुअली बिकॉज ऑफ द सीवेड से आयोडीन लिबरेट होता है, वो एयर में आ जाता है ठीक है. सो देर इज अ थिंग कि ओशन से आयोडीन का प्रपोर्शन कम्स इन टू द नेचुरल एयर ठीक है, और बाद में फिर उसका डिफरेंट प्रोसेसेस है कि जिससे बाद में फिर वापस अर्थ में आ जाता है, मड में मिक्स हो जाता है. सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स बिहाइंड दैट, बट जस्ट कंसिडर दिस एज वन ऑफ द एग्जाम्पल जहाँ पे आयोडीन इज द सोल्यूट विच इज इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड एयर इज द सॉल्वेंट विच इज इन द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर. मूविंग अहेड वॉट वी हैव इज अ डिफरेंट स्टफ, जहाँ पे एक बार हम लोगों ने देखा कि सॉलिड था, सॉल्यूट जो था वो सॉलिड स्टेट में था, उसके तीन कॉम्बिनेशन. अभी हम लोग देखेंगे आपका सॉल्यूट इज गोइंग टू बी इन द लिक्विड स्टेट एंड उसके तीन कॉम्बिनेशन. तो उसके तीन कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी कि आपका जो सॉलिड रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी इन द सॉलिड स्टेट. तो एमलगम ऑफ मर्क्यूरी इन सिल्वर, तो एमलगम ऑफ मर्क्यूरी आपको पता है मर्क्यूरी इज इन द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर ठीक है, एंड आपका सिल्वर जो है दैट इज गोइंग टू बी इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर. तो जो एमलगम है दैट इज अ मिक्सचर ऑफ योर मर्क्यूरी एंड सिल्वर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग कि जहाँ पे आपका जो सॉल्यूट है दैट इज गोइंग टू बी इन द लिक्विड स्टेट एंड जो आपका सॉल्वेंट है दैट इज गोइंग टू बी इन द सॉलिड स्टेट. तो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट कौन है, सिल्वर इज योर सॉल्वेंट एंड मर्क्यूरी इज योर सॉल्यूट ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कि जब आपका सॉल्यूट जो है दिस इज गोइंग टू बी अ सॉल्यूट विच इज इन द लिक्विड स्टेट एंड द सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी इन द अगेन लिक्विड स्टेट. तो लिक्विड लिक्विड वाला कॉम्बिनेशन. सो गैसोलीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल. तो गैसोलीन इज नथिंग बट योर पेट्रोल. तो इसमें कॉम्बिनेशन कौन सा है, यू हैव अ बेंजीन, यू हैव अ टोलवेन, दिस आर बोथ आर इन द लिक्विड स्टेट. इट्स अ मिक्सचर ठीक है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, देन मिक्सचर ऑफ अल्किन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्किन्स. तो ये सब मिक्सचर है. तो ऑल दिस आर इन द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. तो ये सब लिक्विड स्टेट में ही है. तो सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में, सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में, दैट्स वाई इट्स अ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन. इथेनॉल इन वाटर, सो इथेनॉल इज द सोल्यूट विच इज इन द लिक्विड स्टेट एंड वाटर इज अ सॉल्वेंट विच इज ऑल्सो इन द लिक्विड स्टेट एंड दैट्स वाई दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द फोर्थ टाइप. अगर आप यहाँ पे देखो सॉरी दिस फिफ्थ टाइप ऑफ सोल्यूशन दैट वी आर डिस्कसिंग बाय नाउ. नाउ सिक्स टाइप इज कि जब आपका जो सॉल्यूट है दैट इज गोइंग टू बी इन द लिक्विड स्टेट एंड जो सॉल्वेंट रहेगा that is going to be in the gaseous state of matter. The best example is chloroform in nitrogen. तो जो ये nitrogen है आपका यहाँ पे this is the solvent which is in the gaseous state and chloroform जो है यहाँ पे that is in the liquid state of matter and which is your solute in this case. ठीक है. So this is a sixth type of the solution that you can get. अभी हम लोगों ने अब तक दो चीज़ें देखें, दो चीज़ों के तीन तीन कॉम्बिनेशन देखें कि जब आपका सोल्यूट जो है, जो सोल्यूट होता है दैट इज इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर देखा पहले, इसके पहले उसके बाद हम लोग लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में देखा. अभी हम लोग देखेंगे व्हेन योर सोल्यूट इज गोइंग टू बी इन द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड कॉम्बिनेशन एंड विच विल गिव यू अनदर थ्री टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. तो यहाँ पे ऊपर सिक्स देखे, दिस इज गोइंग टू बी द सेवेंथ वन, दिस इज गोइंग टू बी द एट वन एंड दिस इज गोइंग टू बी द नाइन्थ वन एंड एंड ऑफ द स्टोरी. सो योर सोल्यूट इज गोइंग टू बी इन द गैसियस स्टेट एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज जब आपका सॉल्वेंट क्या रहेगा, दैट सॉल्वेंट इज गोइंग टू बी इन द सॉलिड स्टेट. तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम, सो दिस अ काइंड ऑफ अ कैटलिस्ट दैट वी यूज फॉर अ सर्टन काइंड ऑफ रिएक्शन, मेनली हाइड्रोजनेशन और अ रिडक्शन रिएक्शन. तो हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे दैट इज दी वॉट सॉल्वेंट और सॉलिड वॉट सोल्यूट ठीक है. सो इट इज अ सोल्यूट ऑफ योर रिएक्शन ऑफ योर सोल्यूशन एंड पैलेडियम जो है दैट इज गोइंग टू बी द सॉल्वेंट विच इज इन द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर ठीक है. सो हाइड्रोजन इन पैलेडियम और हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम इट इज कॉल्ड, और यू कैन ऑल्सो कंसिडर रैनानिकल कैटलिस्ट जिसके ऊपर अल्किन अपना अल्किन आके एब्जॉर्ब हो जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन जहाँ पे हाइड्रोजन गैस भी एब्जॉर्ब हो जाता है. सो हाइड्रोजन ऑन रैनानिकल कैटलिस्ट, दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन की जहाँ पे आपका जो सोल्यूट रहेगा दैट इज गोइंग टू बी इन द गैसियस स्टेट एंड जो आपका सॉल्वेंट है दैट इज गोइंग टू बी इन द सॉलिड स्टेट. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन दैट इज गोइंग टू द एट कॉम्बिनेशन, यू कम अक्रॉस दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इन योर डे टू डे लाइफ जब आप कार्बोनेटेड ड्रिंक को हाथ लगाते हो. यू नो कार्बोनेटेड ड्रिंक में क्या फंडा होता है, एट अ हाई प्रेशर वी ट्राई टू डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन वाटर ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड मैंने क्या बोला, गैस ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस राइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस. तो ये क्या है, दिस इज दी लिक्विड विच इज द सॉल्वेंट इन माई सोल्यूशन एंड दिस इज द गैस विच इज वाटर विच इज
solute in the solution. ठीक है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट एग्जाम्पल. और फॉर दैट मैटर आपको पता है कि जो एक्वाटिक एनिमल्स है उनको ऑक्सीजन लगता है, एंड दैट ऑक्सीजन वी हैव इन द वाटर जो रहता है, वाटर में ऑक्सीजन इज डिजॉल्व फॉर्म में रहता है. सो दिस ऑक्सीजन इज एक्चुअली वॉट योर सोल्यूट विच इज इन द गैसेज स्टेट, एंड दिस वाटर इज योर सॉल्वेंट विच इज एक्चुअली इन द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर. एंड द लास्ट कॉम्बिनेशन इज अ गैस इन गैस, कि जहाँ पे आपका सोल्यूट जो है दैट इज इन द गैसेज स्टेट ऑफ मैटर, एंड ऑल्सो योर सॉल्वेंट इज ऑल्सो इन द गैसेज स्टेट ऑफ मैटर. एंड द बेस्ट एग्जाम्पल इज द एयर, विच यू नो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेज. ये कुछ तोफ चीज़ें नहीं थी, दिस वॉज जस्ट अ एग्जाम्पल्स टू टेल यू वॉट काइंड ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन यू हैव, सो दैट यू विल बी कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग वॉट सोल्यूशन एक्जैक्टली इज. इसके आगे से जो चालू होगा दैट इज एक्चुअल गोइंग टू बी द सोल्यूशन की जो आपने अभी तक कभी सुना भी नहीं है, जिसके बारे में कभी पढ़ा भी नहीं. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ अवर लेक्चर सीरीज, फर्स्ट लेक्चर, नॉट सीरीज, फर्स्ट लेक्चर ऑन सोल्यूशंस. तो दिस आर द प्लेटफॉर्म्स वेर यू कैन फाइंड अस. सो यू कैन गो ऑन द फेसबुक www.facebook.com/kmshastra. दिस इज अवर ओपन ग्रुप विच यू कैन ज्वाइन फॉर ऑल द क्वेश्चन आंसर डिस्कशन. यहाँ पे आप क्वेश्चन डाल सकते हो जिसका आंसर मैं आपको जैसे ही पॉसिबल होगा वैसे ही उतना जल्दी दे दूंगा. ऑब्वियसली आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, सो वी हैव अवर चैनल URL दैट इज www.youtube.com/kmshastra. चैनल सब्सक्राइब करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. जितना शेयर करोगे उतना नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ेगा, उतना जितना नंबर ऑफ वीडियोज बढ़ेगा उतना गुरु ज्ञान मेरे तरफ से आपको ज़्यादा मिलते रहेगा. एंड ऑब्वियसली वी हैव आवर इंस्टाग्राम हैंडल, सो www.instagram.com/kmshastra. यहाँ पे जाके आप जो कुछ कोट्स है हम लोग लिखते हैं वो आप फॉलो कर सकते हो. यू ऑल्सो हैव द अमेजिंग फैक्ट्स इन द इमेज फॉर्मेट ऑब्वियसली, विच कैन जस्ट स्टोर विथ यू और कैन शेयर विथ यू, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स की जिनको अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ना पसंद है. एंड ऑब्वियसली वी हैव अवर ओन वेबसाइट दैट इज www.kmshastra.com, वेर यू विल गेट ऑल दिस थ्री इन्फॉर्मेशन. अलॉन्ग विद दैट यू विल गेट द ब्लॉग्स रिटन बाय अस, एंड ऑल्सो विल गेट द नोट्स ऑफ केमिस्ट्री विच आर रिटन बाय अस, एंड इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनी. बट देर आर सम टॉपिक्स के जो हम जिसका वीडियो जिसका हम लोगों ने बनाया हुआ वीडियो दैट इज there in the form of a PDF, that is there in the form of a blog, जो आपको easily refer कर सकते हो. You can take the screenshot of it and you can use it for your future reference. आपको ये video कैसे लगा जरूर मुझे बता देना, मैं एकदम slow जा रहा हूँ, there is a reason for it, I don't want to make you confused. जब शांति से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, बहुत एकदम आराम से शांति से पढ़ना है. स्टार्टिंग में शांति से पढ़ेंगे क्योंकि जब जेई प्रिपरेशन आएगा, एंट्रेंस प्रिपरेशन आएगा, तब हम लोग को दौड़ना है. तब मैं आपको हर चीज़ें बेसिक में घुस घुस के पढ़ा नहीं सकता, दैट्स द रीज़न. अभी बेसिक इतना स्ट्रांग करो कि उस टाइम पर हम लोग घोड़े की स्पीड से दौड़ सकते हैं, ठीक है. तो उस टाइम पर दौड़ने के लिए अभी थोड़ा सा स्लो चलने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज द थिंग विच इज़ कम्प्लीटली न्यू टू यू. वंस यू आर थ्रू विद दिस, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू रन. ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर. बाय बाय.